अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। टुडे आवर लेक्चर इज अबाउट डबल लिंक लिस्ट। लास्ट लेक्चर में हमने सिंगली लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट के हवाले से डिस्कशन की थी। देन उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ फिर हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर एक C++ लैंग्वेज में कोड देखा था और उस कोड को परफॉर्म किया था, और उस कोड की परफॉर्मेंस के दौरान हमने डिफरेंट ऑपरेशंस जो है वो भी परफॉर्म किए, जिसमें जो है कुछ इंसर्शन के ऑपरेशंस थे, स्पेसिफिक लोकेशन पे इंसर्शन थी, बिगिनिंग पे थी, एंडिंग पे थी। देन उसके बाद हमने डिस्प्ले फंक्शन देखा, डिलीट फंक्शन देखा और सॉर्टिंग से रिलेटेड भी फंक्शन देखा, और ये सारी सारी एक्टिविटीज और सारे सारे ऑपरेशन बेसिकली ये कुछ एल्गोरिदम्स हैं। इन एल्गोरिदम्स को हमने सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखा और देखा कि कैसे हम एक लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर डिफरेंट एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। और उसके साथ हमने जो है ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि इस प्रोग्राम को, जो लिंक लिस्ट प्रोग्राम को समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कुछ प्रोग्रामिंग की स्किल्स जो हैं वो आनी चाहिए, जो कि मैं दोबारा रिमाइंड करा दूं, क्योंकि हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक डबली लिंक लिस्ट है उसको समझने के लिए भी आपको ये प्रोग्रामिंग स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस प्रोग्रामिंग स्किल में आपको जो है स्विच स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना पड़ता है और फंक्शंस जो है यूज़र डिफाइन फंक्शंस खासकर पे, और उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर्स, और स्ट्रक्चर्स कैसे उसका ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं, और स्ट्रक्चर के अंदर डाटा मेंबर्स कैसे काम कर रहे होते हैं, और देन उसके बाद हमारे पास क्लासेस का कॉन्सेप्ट, क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन से रिलेटेड और वेरिएबल्स एक्टिविटीज़ जो हैं उसके अंदर, उसके रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए, और सबसे अहम जो टॉपिक इनमें था वो था पॉइंटर। तो पॉइंटर्स के आइडिया के बिना आप लिंक लिस्ट, चाहे वो सिंगली लिंक लिस्ट हो या डबल लिंक लिस्ट हो, आप किसी भी लिंक लिस्ट पे कोई ऑपरेशन प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो दोस्तों चलते हैं दोबारा नेक्स्ट हमारे टॉपिक डबल, डबली भी इसको कहते हैं, डबल लिंक लिस्ट भी कहते हैं, डिफरेंट जो ऑथर्स हैं वो अलग अलग इसको लिखते हैं। तो जो डबली लिंक लिस्ट है बेसिकली इज ए वेरिएशन ऑफ लिंक लिस्ट इन विच नेविगेशन इज पॉसिबल इन बोथ वेज। मीन क्या आप अपना डाटा जो है नेक्स्ट वाला भी सर्च कर सकते हैं, प्रीवियस वाला डाटा भी सर्च कर सकते हैं, और नेक्स्ट डाटा पुट करना हो, इंसर्शन करनी हो, वो भी हो सकती है, प्रीवियस में भी हो सकती है। तो दोनों साइड पे डाटा स्टोर और उसकी एक्सेस जो है एक्टिविटीज चल रही होती है, जो लिंकेज होता है वो दोनों साइड पे चल रहा होता है आपका, आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड इजिली एज कम्पेयर टू सिंगली लिंक लिस्ट। फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल लिंक लिस्ट। सबसे पहले वही बात जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, लिंक, ईच लिंक ऑफ लिंक लिस्ट कैन स्टोर डाटा कार्ड एलिमेंट। तो ये बेसिकली लिंक कह लें इसको, चाहे ओवरऑल नोड कहना चाहे नोड कह लें, और साथ में एक होगा नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास ये एक पॉइंटर होगा जो कि नेक्स्ट एड्रेस को स्टोर कर रहा होगा, इसको हम नेक्स्ट लिंक भी कहते हैं और नेक्स्ट भी कहते हैं। देन उसके बाद हमारे पास प्रीवियस एक होगा, प्रीवियस में क्या होगा जी, हमारे पास प्रीवियस पॉइंटर होगा, एक प्रीवियस एड्रेस का पॉइंटर होगा, वो भी एक पॉइंटर होगा, सिर्फ ये है कि उसके पास प्रीवियस नोड का, प्रीवियस लिंक का एड्रेस आपके पास होगा, जो प्रीवियस एलिमेंट्स ऑफ वैल्यूज हैं, इंडेक्सेस हैं जैसे एरे के अंदर होते हैं, उसी तरीके से हमारे पास प्रीवियस के पास, पॉइंटर के पास एक एड्रेस होना चाहिए, और वो प्रीवियस नोड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसके एड्रेस को। लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट कंटेन्स अ कनेक्शन लिंक लिंक टू फर्स्ट लिंक कॉल्ड फर्स्ट एंड द लास्ट लिंक कॉल्ड लास्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे लास्ट टाइम हमारे पास हेड सिर्फ होता था लिंक, सिंगल लिंक लिस्ट में, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट और लास्ट लिंक का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है।
फैक्टोरियल डायग्राम अगर देखें सिंगली डबल लिंक लिस्ट का, तो हमारे पास जो एक नोड बना हुआ है, सपोज के हमारे पास ये फर्स्ट हेडर है, हेड है, इसके पास एक एड्रेस है हमारे पास हमारे जो पहले नोड का, जो पहला नोड होगा वो हमेशा जहन में रखिएगा, जो फर्स्ट आपका लिंक है उस फर्स्ट लिंक के प्रीवियस की वैल्यू नल होगी, प्रीवियस जो हमारा पॉइंटर होगा वो हमेशा नल होगा, और जो लास्ट हमारा लिंक होगा उसका नेक्स्ट हमेशा नल होगा। ये डबल लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा आपने जहन में रखना है। अब ये जहन में रखने का मकसद क्या है कि जब हम इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करने लगेंगे, इसका प्रोग्राम बनाने लगेंगे, उस प्रोग्राम के बनाते हुए आपको इन पॉइंटर्स की डिक्लेरेशन और वैल्यूज असाइन करने के हवाले से आइडिया होना चाहिए। आगे चलते हैं डिस्कशन पे। एज पर द अबव इलस्ट्रेशन फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड। डबल लिंक लिस्ट कंटेन्स अ लिंक एलिमेंट कॉल्ड फर्स्ट एंड लास्ट। ईच लिंक कैरीज अ डेटा फील्ड, जैसे एरेज के अंदर इंडेक्सेस के अंदर वैल्यूज होती थी, ऐसे यहाँ पे भी डेटा फील्ड होंगे, एंड टू लिंक फील्ड कॉल्ड नेक्स्ट एंड प्रीवियस, और उनके साथ दो पॉइंटर्स एड्रेसेस के लिए वो अटैच होंगे, एक को हम नेक्स्ट कहेंगे और एक को प्रीवियस कहेंगे। ईच लिंक इज लिंक्ड विद इट्स नेक्स्ट यूजिंग इट्स नेक्स्ट लिंक। ईच लिंक इज लिंक्ड विद इट्स प्रीवियस लिंक यूजिंग इट्स प्रीवियस लिंक। द लास्ट लिंक कैरीज अ लिंक दैट नल टू मार्क द एंड ऑफ लिस्ट। जब आपके पास लास्ट लिंक के एंड पे नेक्स्ट में नल वैल्यू हो, तो उसका मतलब है वो हमारा लास्ट लिंक। अब डबल लिंक लिस्ट पे हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे हम एरे के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, सिंगल लिंक लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, इसी तरीके से हम डबल लिंक लिस्ट के ऊपर भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और वो ऑपरेशन क्या हैं, सेम जैसे हमारे पास बाकी डाटा स्ट्रक्चर्स के ऑपरेशन है, इस पर भी हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये ऑपरेशन अगेन मैं आपको बताऊँ कि ये ऑपरेशन बेसिकली एल्गोरिदम्स है। इंसर्शन का ऑपरेशन, देन डिलीशन का ऑपरेशन, इंसर्ट एट लास्ट, डिलीट फ्रॉम लास्ट, इंसर्ट आफ्टर। इंसर्ट आफ्टर फंक्शन क्या है, एड्स एन एलिमेंट आफ्टर एन आइटम ऑफ द लिस्ट, किसी गिवन पोजीशन पे जो है ऑलरेडी अगर आपके पास एलिमेंट पड़ा हो उसके ऊपर जो कोई एलिमेंट इंसर्ट करना हो तो उसका तरीका क्या है। सेम डिस्प्ले फॉरवर्ड एंड डिस्प्ले बैकवर्ड, तो ये भी सिंपली ट्रैवर्सिंग की एक्टिविटी है। ट्रैवर्सिंग का मतलब ये होता है कि सिंपल आप वैल्यूज को कोई छेड़छाड़ नहीं करना, सिर्फ आपने उसको उनको डिस्प्ले करना है। तो आगे हमारे पास दोस्तों इससे रिलेटेड जो है प्रोग्राम है, अगेन जैसे सिंगल लिंक लिस्ट का एक बहुत लेंथी प्रोग्राम था, तो उसी तरह का इसका भी एक लेंथी प्रोग्राम है, तो इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के बजाय डायरेक्ट आपको कंपाइलर पे ले चलता हूँ, और कंपाइलर पे उसके एग्जीक्यूशन जो है प्रॉपर परफॉर्म करके देन आपको कोड समझा देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारे पास डबल लिंक लिस्ट के इम्प्लीमेंटेशन का कोड है। इसमें कुछ ज़्यादा हमने ऑपरेशंस परफॉर्म की प्रैक्टिस नहीं, बल्कि कोड निस्बतन थोड़ा सा कम छोटा कोड है सिंगल लिंक लिस्ट वाले कोड की निस्बत। तो इसमें जैसे हमने ट्रैवर्सिंग की एक्टिविटी परफॉर्म करके देखनी है, ताकि हमें जस्ट डबल लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन का आइडिया हो जाए। उसमें कुछ इंसर्शन नोड इंसर्ट करने की एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी परफॉर्म होंगी। तो अगेन उसी तरीके से जैसे सिंगल लिंक लिस्ट हमने समझा था, आप सबसे बस एक रिक्वेस्ट है कि प्रोग्रामिंग स्किल्स को रिव्यू करने के बाद आप सिंगल लिंक लिस्ट का लेक्चर पहले सुन लें, उसके बाद डबल लिंक लिस्ट का लेक्चर सुने, ताकि आपको बआसानी तरीके से ये समझ आ सके। तो दोस्तों स्टार्ट में हमारे पास एज इट इज जैसे लाइब्रेरी फाइल्स हमने इंक्लूड करनी होती है, वो इंक्लूड की, उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्ट नोड, नोड नेम का हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया। ये एक लिंक लिस्ट का नोड है जो कि आगे डबल लिंक लिस्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज हो रहा है। अब इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस स्ट्रक्ट नोड में और सिंगल लिंक लिस्ट वाले स्ट्रक्ट नोड में क्या डिफरेंस है। आई होप आप लाइन नंबर 8 को देख के ही आइडिया लगा सकते हैं कि
डबल लिंक लिस्ट में हमने एक की बजाय दो पॉइंटर लिए हुए हैं, एक पॉइंटर हमारा नेक्स्ट और एक पॉइंटर जो है वो है प्रीवियस। इस प्रीवियस पॉइंटर को डिक्लेयर करने से ही ये हमारे डबल लिंक लिस्ट की कोडिंग स्टार्ट हो गई है। तो डबल लिंक लिस्ट में अगेन कि हमें प्रीवियस एड्रेस भी साथ साथ लेके चलना होता है, इसलिए हमें एक पॉइंटर एक्स्ट्रा चाहिए। तो स्टेरिक जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। तो इस पॉइंटर वेरिएबल का डाटा टाइप क्या है जी? इस पॉइंटर वेरिएबल का डाटा टाइप यूजर डिफाइन डाटा टाइप है, जो कि एक नोड है, ना कि कोई इंटीजर या फ्लोट। तो यूजर डिफाइन डाटा टाइप मीन जब आप कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं या क्लास बनाते हैं और उसका क्लास का नेम, या फिर जब आप स्ट्रक्चर का नेम जो रखते हैं उस नेम को हम डाटा टाइप, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कह सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप जो कॉन्सेप्ट डाटा स्ट्रक्चर के अंदर आप देखते हैं वो भी हम इसको कह सकते हैं। इसको दोबारा मैं मिनिमाइज करके आगे चलता हूँ। आई थिंक पहले इंट मेन में चलते हैं कि इसकी प्रॉपर वर्किंग देख के, ताकि हमें पता लगे कि कौन कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है और क्या क्या एक्टिविटी हमने परफॉर्म की है और करनी है। इंट मेन के अंदर सबसे पहले हमने क्या किया जी, स्ट्रक्ट नोड हेड इज इक्वल टू नल। हमने एक वेरिएबल लिया, जैसे हम इंट ए इंट बी लिया करते थे, इसी तरीके से इस हेड को कंसीडर कर लें जैसे कि हमने ए लिया या बी लिया, और साथ में जो स्ट्रक्ट नोड आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसमें से स्ट्रक्ट चाहे आप ना भी लिखें तब भी आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्ट नोड लिखा हुआ है ये बेसिकली हमारा यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। कौन सा डाटा टाइप है? ये जो अभी आपने ऊपर स्ट्रक्चर बनाया उस स्ट्रक्चर में हमने डाटा टाइप का नेम हमने रखा नोड, स्ट्रक्चर का जो नेम था वो नोड है। उस स्ट्रक्चर डाटा टाइप किस्म का, उस किस्म का डाटा किस्म का डाटा टाइप किस्म का हमने पॉइंटर बनाया, जिस पॉइंटर का नेम हमने रख दिया हेड, और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या रख दी हमने? नल। देन उसके बाद क्या क्या ऐसे है, जैसे हमने एक नल वैल्यू वाला जो है लिंक लिस्ट हमने जनरेट कर दी, जो ऊपर भी ये कमेंट में अगर आप इसको डिटेल में देखें तो स्टार्ट विद द एम्प्टी लिस्ट, तो हम उसको स्टार्ट किया नल वैल्यू के साथ। उसके बाद इंसर्ट फंक्शन कॉल किया। इंसर्ट फंक्शन क्या करेगा? वो करेगा जी हेड के ऊपर 7 को पुट कर देगा एट द एड्रेस ऑफ हेड। एंड ऑपरेटर मीन एट द एड्रेस ऑफ हेड पुट 7 वैल्यू। अब ये इंसर्ट कैसे वर्क कर रहा है इसको अभी हम देख लेते हैं। इस हेड इंसर्ट फंक्शन की वर्किंग जो है वो ऑब्वियसली हमें इंसर्ट के अंदर ही मिलेगी। इसको मैं डिटेल से आपको फंक्शन को दिखाता हूँ, इससे पहले हम पूरा कोड एक दो रीड कर लें, और साथ में मैं चाहता हूँ कि जो हमने क्लास जो हमने प्रिंट लिस्ट फंक्शन बनाया है उससे रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कस कर लें, ताकि उसके बाद फिर दोनों को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इंसर्ट 1 एक और एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा, देन इंसर्ट 4 एक और एलिमेंट ऐड हो जाएगा। इस तरीके से ओवरऑल हमारे पास डबल लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, और उसको स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट करने के लिए, ये सी लैंग्वेज का कोड है तो प्रिंट ऐप के जरिए से हम स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट करेंगे। उसके बाद पूरी पूरी प्रिंट लिस्ट जो ये फंक्शन है ये ऐसे है जैसे हमारा डिस्प्ले फंक्शन हमने सिंगल लिंक लिस्ट में यूज किया था, उसी तरह हम डिस्प्ले कर देंगे सारी की सारी वैल्यूज। तो दोस्तों चलते हैं हम दोबारा फंक्शंस की डिटेल पे। एक एक फंक्शन को ओपन कर लेते हैं। सपोज के इंसर्ट फंक्शन हमने ओपन किया। इंसर्ट फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है? इंसर्ट फंक्शन के अंदर एक न्यू नोड ये डिक्लेयर हो रहा है। एक न्यू नोड हमने डिक्लेयर किया जिसका नाम हमने क्या रखा? न्यू नोड। देन उसके बाद अच्छा ये न्यू नोड जो है वो हम एक मैलोक फंक्शन होता है डायनामिक मेमोरी एलोकेट करते हैं, उस मैलोक के जरिए से भी आप न्यू नोड क्रिएट कर सकते हैं। न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू, और हमने उसको जो पैरामीटर्स दे दिए वो स्ट्रक्ट नोड के दे दिए।
जो कि हमने ये नोड बनाया उसी नोड डेटा टाइप अंदर ही लिख दिया। ऐसे लिखा है जैसे हम, अगर आपको याद हो, फंक्शंस में लिखा करते थे int sum, ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते थे सम की जो डेटा टाइप कोई भी के जिन वेरिएबल से आप पे आपने वर्क करना होता था तो उसके अंदर भी int या float लिख दिया करते थे। तो ये हमारे पास ऐसे समझ लें जैसे अंदर भी int लिखा हुआ है और इस फंक्शन के बेसिकली मकसद जो है डेटा टाइप कौन सा ये लेयर है वो लिखना है। तो हमने न्यू और अंदर नोड लिख दिया, देन न्यू नोड डेटा। अब ये एरो ऑपरेटर है, ये जो है क्या करता है मैं अभी आपको बताता हूँ, ये कमेंट बार में मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। न्यू नोड एरो जो है ये ऐसे है जैसे एक्सेस के लिए हम डॉट ऑपरेटर लिखा करते थे, इसी तरीके से ये डॉट ऑपरेटर की तरह वर्क कर रहा होता है, लेकिन डॉट ऑपरेटर से आप डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस वगैरह और जो भी आप एक्टिविटी कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स के साथ उसमें वो यूज़ होता है डॉट ऑपरेटर। लेकिन अगर आपने स्ट्रक्चर के अंदर के किसी पॉइंटर को एक्सेस करना हो, किसी पॉइंटर वेरिएबल को एक्सेस करना हो, तो पॉइंटर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आप बेसिकली ये ऑपरेटर लगाते हैं। स्ट्रक्चर जो है इसको रीड कर लेते हैं कि दिस वन इज द एरो ऑपरेटर एंड इज यूज्ड टू एक्सेस मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंटेड बाय सम पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। जो पॉइंटर के जरिए से कोई स्ट्रक्चर का मेंबर एक्सेस करना होता है तो उसके लिए हम ये ऑपरेटर एरो ऑपरेटर यूज करते हैं। देन अगेन आगे नेक्स्ट आगे चलते हैं जी, न्यू नोड pointed to next is equal to pointer of head reference, और एक और हमारे पास क्या होगा जी, previous में null value। तो head reference और previous ये थोड़ी सी डिटेल आगे आपको जो function है print list उसके अंदर भी मैं आपको इनकी activities समझा देता हूँ। फिलहाल आप इतना overall summarize ध्यान में रखें कि ये हमारे पास एक insert का फंक्शन है जिसके दो वेरिएबल्स हैं। पहला जो है पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल है, डबल पॉइंटर जो है एड्रेस ऑफ एड्रेस जैसे होता था, ये ऐसे है जैसे हमने पहला जो डायग्राम में देखा था कि एक हेडर होता है, हेड होता है, अभी आपको दोबारा दिखा देता हूँ, जैसे ये हेड होता है इसी तरीके से हम यहाँ पे हेड रेफरेंस डबल पॉइंटर ले रहे हैं कि उसका हमने एड्रेस स्टोर करना है और साथ में हमने इंट न्यू डाटा एक सिंपल इंटीजर वेरिएबल आर्गुमेंट में लिख दिया और यह फंक्शन बेसिकली क्या है, इंसर्ट फंक्शन है। आगे चलते हैं जी, इफ कंडीशन, इफ हेड रेफरेंस नॉट नल, अगर वो नल ना हो तो हेड रेफरेंस के पास प्रीवियस जो है एड्रेस जो है प्रीवियस एड्रेस की बात हो रही है, प्रीवियस इज इक्वल टू न्यू नोड, तो नया नोड जो है प्रीवियस में वो डाल देंगे हम अगर नल ना हो। अगर नल है तो फिर उसका प्रीवियस ऑब्वियसली जाने की जरूरत नहीं है। तो ये आइडिया दोबारा से आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिंगल लिंक लिस्ट वाला ट्यूटोरियल डिटेल से देखें और उसके अलावा फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है उसको सही तरीके से समझें। जब आप उस चीज़ों इन चीज़ों को सही तरीके से समझ लेंगे और स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आपके जहन में क्लियर होगा तो ये सारे कोड्स आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। अब देखते हैं कि जी प्रिंट लिस्ट ये फंक्शन क्या कर रहा है। ये सिंपली हमारे पास एक स्ट्रक्चर डेटा टाइप का एक वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है जिसका नाम हमने रख दिया लास्ट और ट्रैवर्स कर रहा है। ट्रैवर्स सिंपली डिस्प्ले के मीनिंग में होता है, वाइल नोड नॉट नल, अगर वो नल नहीं है तो उसको ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर देगा और फॉरवर्ड में और उसके अलावा जो है रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट कर देगा अगर लास्ट इज इक्वल टू नॉट नल। हमारे पास अगर लास्ट जो है वेरिएबल उसकी वैल्यू नल ना हो तो हमारे पास ये रिवर्स डायरेक्शन में डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देगा। तो लास्ट से डिस्प्ले करना शुरू करेगा तो ऑब्वियसली जो आखिरी वैल्यू होगी उसको पहले दिखाएगा, फिर
उससे सेकेंड लास्ट वाली दिखाएगा, और इसी तरीके से रिवर्स डायरेक्शन में जितनी भी वैल्यूज होंगी उसको प्रिंट करके आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद आपको आइडिया क्लियर होगा कि ये सारे क्या एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही थी इसमें। तो ये इसकी आउटपुट है। इस आउटपुट में क्या है कि जी क्रिएटेड डबल लिंक लिस्ट, ये कहाँ से आया क्रिएटेड डबल लिंक लिस्ट, क्रिएटेड डबल लिंक लिस्ट ये लाइन नंबर 56 में हमारे पास कोड लिखा हुआ है, प्रिंट एफ क्रिएटेड डबल लिंक लिस्ट इज। उसके बाद प्रिंट लिस्ट हेड से लेकर ऑनवर्ड, अब प्रिंट लिस्ट का फंक्शन जो ही कॉल होगा, जो ही लाइन नंबर 56 पे फंक्शन प्रिंट लिस्ट कॉल होगा, इस फंक्शन के कॉल होते ही कंपाइलर फौरन से इस ब्लू एरिया जो मैंने हाइलाइटेड किया इस एरिया में आ जाएगा। इस एरिया के अंदर ट्रैवर्सिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और ट्रैवर्सल इन रिवर्स डायरेक्शन दोनों एक्टिविटीज़ को वो दिखा देगा। और ये 741 ये समथिंग ये वैल्यूज़ क्या हैं, ये सिंपली हमने इंसर्ट फंक्शन के ज़रिए से डिफ़ॉल्ट में इनिशियलाइज कर दी थी। इसको हमने प्रॉपर जिसे कहते हैं कि सीन कमांड के ज़रिए से इनपुट नहीं कराया, बल्कि पहले से ही इनिशियलाइज वैल्यूज़ उनको कोई सी तीन वैल्यू दे दी हैं। सपोज कि अगर हम यहाँ पे एक और इंसर्शन करते हैं तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ वैल्यू जो है एक और, सपोज कि हम ये 9 वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं, तो कंपाइल करके देखते हैं जी। तो ये हमारे पास 9 वैल्यू भी इसके अंदर इंसर्ट हो गई है, उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। तो ये सिंपल है इंसर्शन फंक्शन, कोई सा भी एक इंसर्शन फंक्शन सिंगल लिंक लिस्ट से या डबल लिंक लिस्ट से, वो आप एक दफ़ा गौर से समझ लें। देन उसके बाद डिस्प्ले या प्रिंट लिस्ट एक्टिविटी से रिलेटेड फंक्शन समझ लें। जब आपको ये 2-3 फंक्शंस आसानी से समझ आ जाएंगे और इंसर्शन ऑपरेशन जो है स्ट्रक्चर का नोड क्रिएट करना ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, तो आपके लिए प्रोग्रामिंग करना कोडिंग करना वो आसान हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना, मेरा ख्याल है कि काफ़ी है। आप इसमें डबल जो लिंक लिस्ट है उसको आसानी से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हमारा ट्यूटोरियल जो है वो सर्कुलर लिंक लिस्ट के ऊपर होगा। मज़ीद कोई चीज़ अगर आपको क्लियर ना हो तो आप कमेंट के अंदर क्यूरीज कर सकते हैं, और आप अपना ईमेल आईडी वहाँ पे मेंशन कर दें तो आपको आपके ईमेल आईडी पे आंसर जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपको कोई टॉपिक समझ ना रहा हो या कोई मज़ीद सब टॉपिक आपको चाहिए हो उसकी एक्सप्लेनेशन, तो वो आप मेंशन कर दें, उससे रिलेटेड भी मैं ट्यूटोरियल अपलोड कर दूंगा, या फिर ऑलरेडी बना हुआ कोई ट्यूटोरियल हुआ तो उससे उसका लिंक आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहें आसान ट्यूटोरियल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, अल्लाह।